हाथरस की नगर पंचायत मेंडू में ईओवा चेयरमैन की आपसी विवाद के चलते सफाई कर्मचारियों का 2 माह का वेतन रोका। हाथरस के थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के कस्बा मेंडू नगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों का 2 माह का वेतन न मिलने की वजह से की हड़ताल। सफाई कर्मचारियों ने मजबूर होकर की नगर पंचायत में हड़ताल। कामकाज बंद कर सफाई कर्मचारी नगर पंचायत कार्यालय पर दिया धरना। सभी सफाई कर्मचारी का 2 माह से वेतन न मिलने की वजह से, घर का गुजारा भत्ता खत्म हो जाने की वजह से सफाई कर्मचारियों ने अपना कामकाज बंद कर नगर पंचायत कार्यालय पर दिया धरना। देर शाम एसडीएम हाथरस मौके पर पहुंचे व सफाई कर्मचारियों से उनकी समस्या का हाल जाना और कहा जल्द से जल्द आप सभी को वेतन देने का आश्वासन दिया। ये थी हाथरस से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। मैम आपका, अच्छा क्या आप मेडू चेयरमैन के अंडर में क्या काम करती हैं? आप सफाई कर्मचारी हैं। आपने जो है यहाँ पर हड़ताल की है, किस संबंध में किया आपने हड़ताल? भुगतान नहीं किया, तनख्वाह नहीं मिल रही। कितने महीने का? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। हाँ। तो आप अपना घर कैसे चला रही होंगे? का घर का जुगड़ा करते हैं, लेते हैं, बच्चों को खवाते हैं, भूख प्यास सब रहते हैं, अपने कर रहे हैं। अब जिनकी अपनी लड़ाई चल रही है तो जिनके बीच में हम क्या बोल रहे हैं, जिनकी आपसे ये लड़ाई है तो हम क्या करेंगे? हम तो अपना भुगतान मांग रहे हैं, हमको दे दो, ना कोई लड़ाई ना कोई लड़ाई। अच्छा, 2-3 महीने का वेतन रोक रखा है। हाँ। तो इसमें अधिकारी लोग आप आपसे क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि देखो साथ चेयरमैन नहीं कुछ कर रहे हैं, हम तो ठा रहे हैं कर रहे हैं। अच्छा, चेयरमैन जो हैं यहाँ के वो साइन नहीं कर रहे हैं कुछ भी? साइन नहीं कर रहे हैं। क्या कह देते हैं चेयरमैन? कह देते हैं कि चेयरमैन करवा कर लाओ, यही साफ कह देते हैं कि मैं कर रहा हूँ और जो कर्मचारी और दूर रखे। मतलब अधिकारी और चेयरमैन के बीच में आपसी मतभेद के चक्कर में आपका वेतन रोका गया है? चेयरमैन ने। तो अब अधिकारी लोग भी कुछ नहीं सुन रहे आपकी? कोई नहीं सुन। कब तक चलेगा आपका अनशन जो है? जब तक ये वेतन नहीं देंगे जब तक चलेगा, ऐसे ही बैठे रहेंगे भूखे प्यासे। आज पहला दिन है आज आपका, 20,000 का कर्ज। आपने पहले ज्ञापन दे चुके हैं आप ईओ को? क्या आप हड़ताल पे बैठेंगे? मैडम को भी लिख के दे दिया, ईओ को भी लिख के दे दिया, सबको दे दिया लिख के। क्या नाम है आपका? संजय कुमार बालू। जो आपने जो यहाँ हड़ताल की है किस संबंध में किया? 2 माह से वेतन नहीं मिला है कर्मचारियों को। कितने कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है? 60 कर्मचारी। जिसमें किसकी लापरवाही है वेतन नहीं ना मिलने की वजह से? अब लापरवाही तो जो है अधिकारियों की, हमारे जैसे कि अध्यक्ष महोदय हैं, मैडम है, हमें अधिकारियों से मतलब नहीं, हमें तो वेतन मिल जाती है, तो 2 माह से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं और भगोरी कगार पे आ गए हैं, दुकानदार सामान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हार के कदम उठाना पड़ा है हम लोगों को। आपका जैसे लालन पालन कैसे चल रहा है 2 महीने से? सब उधार लेके करना पड़ रहा है। लगभग कितने कर्जा भी कितना कर लिया होगा? काफ़ी कर्जा हो गया। आपको वेतन कितना मिलता है 1 महीने का? वेतन जो है 7.5-8 के मिलता है। 7.5-8 के पूरा कर्मचारी? पूरा कर्मचारी। अच्छा अच्छा, मतलब कितने कर्मचारी यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं? सारे कर्मचारी हैं, बिजली विभाग और पूरी ऑफिस के अंदर सभी। अब आपने अधिकारी को इस संबंध में बताया तो क्या कह रहे हैं अधिकारी लोग? अधिकारी लोग अपने जो है मैडम को अवगत कराया, अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया। क्या क्या कहा आपको, क्या आश्वासन नहीं मिल रहा है? आश्वासन जो है मैडम बोल रही है कि जो है मैंने तो साइन कर दिए हैं, अध्यक्ष महोदय ने साइन नहीं किए हैं तनख्वाह पे। अध्यक्ष कौन है? हमारे मनोज आर्य चेयरमैन जो है। तो अध्यक्ष जी जो है साइन नहीं करे, इस वजह से आपका वेतन रुका हुआ है।